नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। अमेरिकी सैनिकों की वापसी को लेकर बैकफुट पर जो बाइडेन, अब इस एक्शन से देंगे तालिबान को जवाब। पीएम मोदी से मिले सीएम नीतीश, तेजस्वी समेत 11 नेता, जातिगत जनगणना पर रखा अपना पक्ष। सलाहकारों पर बुरी तरह घिरे सिद्धू, मनीष तिवारी बोले, ऐसे लोगों को कांग्रेस छोड़ो, देश में रहने का हक नहीं। वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान, यूनिस खान, जावेद मियां दाद और शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ ऐसा करने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर बने फवाद आलम। महाराष्ट्र के पालघर से क्रूरता की खबर, बेटे के अंतिम संस्कार में 500 रुपए देने के बदले बना लिया गुलाम, महीनों कराई मजदूरी, दुखी आदिवासी ने दी जान। अक्टूबर में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, बच्चों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय चिंतित। पंजाब में हॉकी के ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों पर रखे गए 10 स्कूलों के नाम। अफगानिस्तान से निकाले गए 146 भारतीय दोहा से भारत लौटे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को अंतिम विदाई, अमित शाह से लिपटकर रोने लगे बेटे राजवीर। कांग्रेस नेता ने अपने ही मंत्री को हटाने के लिए लिखा उद्धव ठाकरे को पत्र। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।